हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यह CUET के मॉक टेस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी तो CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंग्लिश में है, लेकिन मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो यह पार्ट 3 है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 पार्ट और भी बना दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यह पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट और बन चुके हैं और इसमें इस फ्रेंड्स थोड़े क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं, 15 क्वेश्चन हैं। हर रोज़ तो 10 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन आज बढ़ा दिए। थोड़ा टाइम भी था और कुछ लोगों का आना भी था, सर थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा फार्मेसी से रिलेटेड हर न्यूज़ से अपडेट रहेंगे। बाकी मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी एग्ज़ाम की टेंशन तो होगी, मुझे भी है, मतलब मुझे अपने एग्ज़ाम की टेंशन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन भूलने नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेलिकनेट तृतीयक मलेरिया का रोग जनक है। देखिए मलेरिया से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, मेलिकनेट तृतीयक मलेरिया का रोग जनक है। तो मेलिकनेट जो है फ्रेंड्स, वह तृतीयक मलेरिया का रोग जनक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A प्लाज्मोडियम मलेरी। कौन सा है मेलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक? तो ऑप्शन नंबर A है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, जो कि तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो कैसे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समजात अंगों द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा, अवशोषी अंगों द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B समवृत्ति अंगों द्वारा। अभिसारी विकास कब प्रदर्शित होता है, किस कैसे प्रदर्शित होता है, किस चीज़ से? तो समवृत्ति अंगों द्वारा प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, सन 1809 में छपी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक के लेखक थे। तो एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने 2 बार आपको कराए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने इजी हैं। तो क्या है क्वेश्चन? सन 1809 में छपी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक कौन थे? तो फिलॉसफी जो जूलॉजिक जो पुस्तक थी, जो बुक थी, उसके लेखक कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D लैमार्क। कौन इसके लेखक? जूलॉजिक फिलॉसफी के लैमार्क हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन समझने वाला है। यदि DNA स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATTGCC हो तो mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होगा। तो क्या इसमें जब अगर ATTGCC हो तो mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम कैसा होगा, यही बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर D UAACGG। कैसा होगा? UAACGG, ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन विनिमय की अवस्था में किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स? जीन विनिमय किस अवस्था में पाई जाती है, जो जीन विनिमय होता है फ्रेंड्स, या जीन को कह सकते हैं, और किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B पैक्टिन में। किस अवस्था में पाई जाती है? पैक्टिन अवस्था में पाई जाती है जीन विनिमय। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बाकी अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स, तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ एक वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी आप लोग मॉडल पेपर के और प्रीवियस ईयर के और सिलेबस की वीडियो देखना चाहें तो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए गए हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा अगर आपके पास समय हो तो। बाकी NCERT को भी अपने पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, बाकी अपने नोट्स को भी, फिजिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाकी अगर कहीं मॉक टेस्ट वगैरह चलता हो तो वहाँ पे भी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। और आपका एग्ज़ाम कम है मुझे कमेंट में बताइए। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
मनुष्य में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा? तो क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ समझते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा, मतलब एक नॉर्मल बच्चा जन्म लेगा कौन सी दशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो यक्ष गुणसूत्र। कब सामान्य बच्चा जन्म लेगा? ऑप्शन नंबर ए, जब दो गुणसूत्र हों, दो यक्ष गुणसूत्र हों, यक्ष वाई भी होता है लेकिन यक्ष गुणसूत्र दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अपरापोषिका का कार्य होता है, तो ये अपरापोषिका जो है फ्रेंड्स, इसका क्या कार्य होता है और किस कार्य में आता है ये बताना है। तो ये अपरापोषिका का कार्य होता है, तो इसका क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन में। किस कार्य में अपरापोषिका आता है? उत्सर्जन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, गर्भकाल की किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है? गर्भकाल की किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है? शिशु मतलब बच्चा, तो फ्रेंड्स जो बच्चा होता है जब वो माँ के पेट में होता है तो किस सप्ताह में, मतलब किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है, या किस महीने में या किस हफ्ते में सुनाई देने लगती है धड़कन बच्चे की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तिमाही में। किस अवस्था में सुनाई देने लगती है? द्वितीय तिमाही में। तो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे घुमाया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ अवस्था दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कुशिंग रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कुशिंग रोग का कारक है। तो जो कुशिंग रोग है फ्रेंड्स वो किसका कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोटिकाइड हार्मोन की अधिकता। कुशिंग रोग कारक है, किसका कारक है? ग्लूकोटिकाइड हार्मोन की अधिकता का कारक है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष के वृषण से स्रावित हार्मोन के नाम है। तो छो फ्रेंड्स, पुरुष के वृषण में स्रावित हार्मोन्स होते हैं उनका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन होते हैं वृषण में पुरुष के? टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव कण के किस भाग की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है किंतु फिर भी यह अत्यावश्यक होता है, मतलब अत्यावश्यक मतलब बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ अत्यावश्यक भी देकर ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं एक बार और पढ़ता हूँ, मानव कण मतलब मनुष्य के कान जो होते हैं फ्रेंड्स, मानव कण के किस भाग की श्रवण मतलब सुनने की क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती फिर भी यह अत्यावश्यक होता है, फिर भी यह जरूरी क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वेस्टिबुलर उपकरण। कौन सी अत्यावश्यक है? वेस्टिबुलर उपकरण। तो इसमें सिंपल था फ्रेंड, जो मनुष्य कान होते हैं उसमें से कौन सा भाग है जो कि जरूरी नहीं है फिर भी उसका होना बहुत जरूरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टिबुलर उपकरण। वेस्टिबुलर उपकरण याद रखिएगा, वेस्टिबुलर उपकरण, वेस्टिबुलर उपकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि कण अस्थिका नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि कण अस्थिका नहीं है, मतलब इसमें बताया फ्रेंड्स कौन सी अस्थि मतलब कौन सी हड्डी है जो कान की हड्डी नहीं है। कान कण मतलब कान, अस्थिका मतलब हड्डी, या अस्थि मतलब हड्डी होता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि कण की अस्थिका नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेरियोटिक। पेरियोटिक जो है फ्रेंड्स ये कान की हड्डी नहीं है, या कान में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है पेरियोटिक। बाकी ये तीनों हैं फ्रेंड्स, तो याद रख लीजिएगा, स्पीच इंकंसन मेलियस, ये जो तीनों हैं फ्रेंड्स ये कान की हमें पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी पेरियोइक ये नहीं पाया जाता कान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबी अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। तो लंबी अस्थियों मतलब लंबी हड्डियों के सिरे
आपस में जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये बताना है फ्रेंड्स। तो चार ऑप्शन है, पेशियों से, कंडरा से, स्नायु से, उपस्थि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्नायु से। लंबी हड्डियाँ किससे जुड़ी होती हैं, स्नायु से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ईजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ा हिंदी में है तो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी हिंदी मीडियम वालों का तो मज़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना टेंशन के एग्जाम देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। कब्जा संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कब्जा संधि निम्न में से किससे पाई जाती है, किसके मध्य पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस एवं अल्ना के मध्य। किसके मध्य पाई जाती कब्जा संधि, ह्यूमरस एवं अल्ना के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट से लिए गए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा फ्रेंड्स, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको वहीं पे दे दूंगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में, और इंस्टाग्राम तो है ही है, वहीं पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।